राजघाट थाने की पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है रामलीला मैदान से, जिसकी पहचान सरवन सोनकर पुत्र स्वर्गीय सुंदर सोनकर निवासी टीपी नगर भैंसाखाना गालन थाना राजघाट के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोबाइल, 3 बही खाता, 13 जीएसटी बिल की कॉपी, एक चाबी का गुच्छा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, पांडेहाता चौकी प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल ब्रिजेश चौबे, शैलेंद्र भारती शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट के अंतर्गत एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जिसने कल एक व्यक्ति से, जो व्यक्ति अपनी दुकान के बाद में अपने घर पे आ रहा था, उसने अपना बैग कहीं पे रखा और उसके अंदर बही खाता और 3 बही और कई सारे जीएसटी के बिल एवं उसका मोबाइल था। लेकिन चोर ने उसको पैसों से भरा हुआ बैग समझकर उसको बैग को उठा लिया। उसके बाद में उन्होंने थाना पुलिस को आके सूचना दी कि मेरी बही खाता वगैरह इस तरह का एक बैग मेरा गायब हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर उस चोर का हुलिया आइडेंटिफाई किया एवं फिर बाद में पता रसी सुरागरसी के आधार पर उस चोर को गिरफ्तार किया है। चोर का नाम सरवण सोनकर है। इसके पास से एक वीवो का मोबाइल, 3 बही और 13 अदद जीएसटी के बिल और एक चाबी का गुच्छा मिला है। और इन सब चीज़ों को बरामद करने के बाद में जो व्यक्ति है जिसकी यहाँ बैग चोरी हुआ था, बहुत राहत की महसूस की है और गोरखपुर पुलिस को बहुत साधुवाद किया है। बिल्कुल, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एवं हर घर कैमरा अभियान के तहत गोरखपुर शहर में 10,000 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से इस तरह के केसेस जो हो, लगता बहुत छोटा है लेकिन जिस व्यक्ति के साथ घटना होती है उसके लिए बहुत बड़ा केस है कि अगर उसकी दुकान की सारी चाबियाँ खो जाए, उसके घर की सारी चाबियाँ खो जाए, उसके बिजनेस का जितनी बही है, अगर वो कंप्यूटराइज काम नहीं करता है, बही आधार पर काम करता है, उसकी वो सब खो जाए तो उसका एक तरीके से धंधा चौपट हो जाता है। लेकिन थाना राजघाट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस अच्छे कार्य को अंजाम दिया और थानेदार की, उसकी दुकानदार की जितनी भी चीज़ें थी वो सब उसको वापस कुशल लौटा। अभी तक इस तरह का कोई आपराधी की इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन वो नशे का आदि जरूर है। थैंक यू।